कैसे अंबानी छीनने वाला है अमेरिका का कारोबार? क्या अंबानी करने जा रहे हैं जियो से भी कुछ बड़ा? सुपर पावर की बढ़ने लगी है टेंशन। कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं अंबानी? अंबानी कैसे छीन रहे हैं अमेरिका से जहर का कारोबार? अमेरिका के जहर का कारोबार यानी कि कोला सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर दशकों से अमेरिका जो जहरीला पेय बेच रहा है दुनिया भर में और भारत में भी, और कई हजार करोड़ हर साल कमा रहा है, अब वो जहर उसके हाथ से बेचने के जो मालिकाना हक है, समझ लीजिए जल्द ही निकलने वाला है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के इस युद्ध के, इस कोला युद्ध के नए खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरा है भारत का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी। ये जहर का कारोबार क्यों है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले क्यों ना हम इस कोला वॉर को थोड़ा जान लें। दोस्तों, इस कोला वॉर के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं द कोका कोला कंपनी और पेप्सिको, लेकिन एक और खिलाड़ी भी था कोला वॉर का जिसने भारत में एंट्री मारी, जीता भी, लेकिन बीच रास्ते में उसे निकाल कर फेंक दिया गया। अब इस खिलाड़ी का हाथ पकड़ कर अंबानी इस कोला वॉर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जहर का कारोबार इतना फल फूल रहा है और भारत में भी इसके काफी सारे कस्टमर बने, कैसे अंबानी छीनने वाला है अमेरिका का कारोबार और उससे जीतने के चांसेस कितने हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक दिखेगा क्योंकि कोला वॉर का ये आने वाला पहलू भी कोका कोला और पेप्सिको की जंग की तरह इतिहास रचने वाला है, और अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर देते हैं तो आने वाले समय में जब ये सुर्खियां बनेंगी तब फिर शायद आप इस वीडियो को देखने के लिए वापस आएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्यों हम इसे हिस्टोरिक कोला वॉर कह रहे हैं। जहर का कारोबार, दोस्तों एक कोक की कैन में 37 ग्राम एडेड शुगर होती है यानी लगभग 10 चम्मच। ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजों की मात्रा बढ़ा देती है शरीर में जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशंस की माने तो एक दिन के 6 चम्मच एडेड शुगर से ज्यादा कंज्यूम करना ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कई लोगों को ऐसे एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद बहुत ज्यादा पसीना आता है, न वो इसमें मौजूद हाई शुगर कंटेंट की वजह से ही आता है, और इतना शुगर एक साथ बॉडी में जाने से एक इंसान को उल्टियां आ जानी चाहिए, लेकिन इसमें मौजूद फास्फोरिक एसिड पसीने को भी कंट्रोल करता है और हमें उल्टी भी नहीं आने देता। एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट नीरज नाइक के अनुसार ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक पीने के 20 मिनट बाद ही बॉडी में शुगर लेवल ड्रामेटिकल इंक्रीज हो जाता है और हमारा लीवर शुगर की इतनी ज्यादा मात्रा को तुरंत फैट में कन्वर्ट कर देता है। 40 मिनट के अंदर बॉडी कोक में मौजूद कैफीन को भी सोख लेती है जिससे किसी भी इंसान को नींद आने जैसी थकावट सी फील होती है। लेकिन कोका कोला में मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट्स ब्रेन के एंडोनोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और बॉडी को थकावट या हाई बीपी का एहसास नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप रिफाइंड सॉल्ट और हाई कैफीन इस्तेमाल किया जाता है जो आपको डायबिटीज बीपी और हार्ट डिजीज का पेशेंट बनाने के लिए काफी है। अगर आप रोजाना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो 2018 की स्टडी के अनुसार इन सॉफ्ट ड्रिंक से स्ट्रोक और डिमेंशिया के अलावा लकवा और याददाश्त जाने की बीमारी का रिस्क भी बढ़ जाता है। रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक पीने से आपकी नींद की साइकिल बिगड़ सकती है। बच्चों में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं जिसे ADHD भी कहा जाता है और आजकल ये बहुत आम है। ब्रेन लीवर और किडनी फंक्शन समय के साथ बिगड़ने लगते हैं और आप लगातार बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इस तरह ये सॉफ्ट ड्रिंक एक इंसान को मौत के कुएं की तरफ ले जाकर खड़ी कर देती है। मगर फिर भी ये सॉफ्ट ड्रिंक लोगों की पहली पसंद बने रहने में कामयाब रही जिसका नतीजा था ये कोल्ड वॉर जो 1980 के दशक में शुरू हुई। इसे कोला वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक में कोला नट में मौजूद कैफीन का इस्तेमाल किया जाता था। ये शुरुआत कोला वॉर की अमेरिका से हुई थी। कोका कोला और पेप्सिको का ये कारोबार युद्ध इतना बढ़ चुका था कि इनके एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग टैक्टिक्स में साफ झलकता था इनका जो राइवल भी था। कोका कोला की एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग इसे एक फैमिली ड्रिंक बताती थी, वहीं पेप्सिको ने इसे यूथ ड्रिंक के तौर पर एडवर्टाइज किया। 1886 में जब कोका कोला आई थी तब इसका दावा था कि ये सिरदर्द को ठीक कर देती है, और 1893 में जब पेप्सी आई तो इसका दावा था कि ये डाइजेशन को यानी कि पाचन को ठीक कर देती है। ऐसे ही ये ड्रिंक खुद को अलग अलग ओकेजंस और लाइफ स्टाइल का हिस्सा बताकर लोगों की लाइफ में घुसती चली गई और 1956 में कोका कोला के ब्रांड
भारत तक पहुंच गए और इसने आते ही मोटी कमाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि यहां इसे टक्कर देने वाला भी कोई नहीं था, कंपटीटर तो नहीं था। लेकिन भारत के कानून ने, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने कोका कोला को दिन में तारे दिखा दिए। ये एक्ट 1974 से लागू हुआ था, जिसके अनुसार किसी फॉरेन कंपनी को अगर भारत में बिजनेस करना है तो अपनी कंपनी का 60% शेयर भारत सरकार को सौंपना होगा। साथ ही प्रोडक्ट से रिलेटेड हर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी पड़ेगी भारत सरकार के साथ, यानी कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं इसमें, सब बताना पड़ेगा। कोका कोला का प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि इसने 60% शेयर सरकार को देने का फैसला कर दिया। लेकिन अपनी सीक्रेट रेसिपी कैसे वो बनाता है कोका कोला, वो शेयर करने से साफ इनकार कर दिया, और इसलिए भारत सरकार ने कोका कोला को भारत से निकाल देने का फैसला कर लिया। लेकिन इसका नुकसान केवल कोका कोला कंपनी को नहीं बल्कि भारत की एक बड़ी कंपनी प्योर ड्रिंक्स को भी हुआ, जो उस समय 2800 लोगों को रोजगार दे रही थी। ये कोका कोला की बॉटल को मैन्युफैक्चर करती थी और इसकी मार्केटिंग, सेल्स और एडवर्टीजमेंट का काम भी करती थी। इसके मालिक थे चरणजीत सिंह, जो इन 2800 लोगों को और खुद को बेरोजगार होने से बचाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि भारत के लोग कोका कोला को कितना मिस कर रहे हैं। लोगों की इसी जरूरत का फायदा उठाते हुए उन्होंने बनाई ऐसी इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक जिसने कोका कोला और पेप्सी दोनों की कमी पूरी कर दी। 1977 में चरणजीत सिंह ने शुरू की स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला, जो सक्सेसफुल साबित हुई। दोस्तों, कैंपा कोला का क्रेज लोगों पर कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि आज भी भारत की ओल्डर जनरेशन सॉफ्ट ड्रिंक को कैंपा कहकर ही बुलाती है। सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर उन्हें भी आज भी केवल कैंपा का नाम याद रहता है। कैंपा ने कोका कोला से भी अच्छे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग टैक्टिक्स को यूज किया और भारत के सुपरस्टार सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। फिर तो कैंपा के जितने भी स्टॉक आए सभी हिट होते गए। 15 साल तक इसने भारतीयों के दिल पर राज किया, लेकिन 1991 में सब बदल गया, जब इंडियन मार्केट दोबारा से फॉरेन कंपनी के लिए ओपन हो गई और लिबरल बन गई। कोका कोला ने फिर से एंट्री मारी भारत में, मगर पेप्सी उससे भी पहले 1989 में ही भारत में वापस आ चुकी थी, क्योंकि इसे राजीव गांधी का सपोर्ट मिल गया था। अब भारत में कोला वॉर अपने चरम पर पहुंच गया। लोग जो पहले से ही कोका कोला और पेप्सी की टेस्ट की याद में कैंपा पीते थे, उन्होंने दोबारा से बाहें फैलाकर कोका कोला और पेप्सी का स्वागत किया और 2001 में फाइनली कैंपा की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। बाकी की छोटी मोटी कोला ब्रांड्स की तरह 2009 आते आते भारत के गिने चुने राज्यों में ही कैंपा सिमट कर रह गए। कैंपा कोला आज तक भी बिकती रही, लेकिन बहुत कम। मगर अब रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कोला वॉर को दोबारा शुरू करने का मन बना लिया है और कैंपा को अपना स्टेटस वापस दिलाने का फैसला कर लिया। सन ड्यू नाम से कैंपा को रीलॉन्च कर दिया गया है और कैंपा के ऑरेंज, लेमन और मैंगो फ्लेवर्स भी मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सन 2022 में 31 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे हायर किया और कैंपा कोला को और एक्सपोर्ट इसे जियो 2.0 कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जियो की तरह ही कैंपा की स्ट्रेटेजी भी सबसे पहले इसकी प्राइस पर फोकस करती नजर आई। कैंपा को रिलायंस ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया और इसकी कीमत सॉफ्ट ड्रिंक के मुकाबले आधी है। दोस्तों, इसे लोगों तक पहुंचाना भी रिलायंस के लिए आसान है और इसका एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करना भी। अब कैंपा फिर से इंडियन मार्केट को डोमिनेट करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जब भारत में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, शुगर की बीमारी एक महामारी बन चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप इन सॉफ्ट ड्रिंक को, इन कोल्ड ड्रिंक्स को जहर नहीं तो और क्या कहेंगे। ये कोला वॉर है या जहर का वॉर, पर इसमें लॉस किसका होगा, हमारे यंगस्टर्स का, हमारे यूथ का, यस और नो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इम्पोर्टेंट संदेश इसलिए चाहते हैं कि आप सब इसे वीडियो को शेयर करें, भारत भर में शेयर कीजिए।